हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज अबाउट लिक्विड क्रिस्टल्स। कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। देखो क्या क्या लिया गया, एक लिक्विड लिया गया जिसका नाम था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। जब इसको मेल्ट किया गया तो जो हमें लिक्विड मिल रहा था ना, वो टर्बिड फॉर्म में मिल रहा था। क्या पता, मैंने एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उसने पाया कि जो एक सॉलिड है ना, उसके दो मेल्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, उसको फर्स्ट 145 डिग्री सेल्सियस पे तब मेल्ट किया तो उसको क्या मिला, एक टर्बिड लिक्विड मिला। फिर उसने उसको क्या करता रहा, और टेम्परेचर को इंक्रीज करता रहा और मेल्ट करता रहा उसको, तो उसने क्या मिल गया, एक क्लियर लिक्विड मिल गया। आया समझ में, क्या लिया, एक सॉलिड ले लिया, उसको एक टेम्परेचर पे मेल्ट किया तो उसको क्या मिला, एक लिक्विड मिला, बट क्या था, वो टर्बिड फॉर्म में था। फिर इसको अगेन हीट किया और मेल्ट किया तो हमें जो लिक्विड मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, क्लियर लिक्विड मिल रहा था। तो जो बीच वाला लिक्विड है, जो उसको टर्बिड लिक्विड मिल रहा था, उसने उसको क्या नाम दे दिया, लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, और जो क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा था, क्लियर था, उसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड। हो गया क्लियर। क्या हुआ कि एक मतलब कई सॉलिड्स ऐसे पाए गए जिनके दो मेल्टिंग पॉइंट मिल रहे थे। फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट में तो क्या हो रहा था, हमें टर्बिड फॉर्म में लिक्विड मिल रहा था, पर उसको क्या कर रहे थे, फर्दर मेल्ट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, एक क्लियर लिक्विड मिल रहा था। तो इसलिए लिक्विड क्रिस्टल की डिस्कवरी हुई। जो टर्बिड लिक्विड मिल रहा है ना बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, फिर क्या होते हैं आपके लिक्विड क्रिस्टल, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी के होते हैं। क्या बोला मैंने, जो लिक्विड क्रिस्टल है उनको हम क्या कहेंगे, टर्बिड लिक्विड भी कहेंगे। वो क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी के होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कि उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो आपके ट्रू लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो और क्या था, जो जो मोस्टली जो मतलब आपका लिक्विड क्रिस्टल को शो करते हैं मोस्टली सॉलिड, वे क्या होते हैं आपके, लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, आपका टर्मिनेटिंग ग्रुप लगा होता है, जैसे ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, या क्या होता है आपका हैवी ग्रुप लगा होता है, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी, है ना। हो गया क्लियर। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल एन आइसोट्रॉपिक होते हैं प्रॉपर्टी के, विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। और जो आपके टर्बिड लिक्विड होते हैं वे क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं सेम डायरेक्शन में। जो लिक्विड क्रिस्टल शो करते हैं जो सब्सटेंस लिक्विड क्रिस्टल के बिहेवियर को, वो कौन से होते हैं, उनका एग्जांपल क्या, आपका लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिनमें क्या टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या लगा हुआ, आपका ओ आर, सी ओ आर, और ये आपका हैवी ग्रुप लगाओ, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ओ एक्सेट्रा। फिर देखो इस ग्राफ से उसने बता दिया, वेपर प्रेशर टेम्परेचर का है ना, उसने इसे एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। उसने क्या किया, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाया। ठीक है, तो इसने दिखाया कि फर्स्ट वाले फेज में ये क्या, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है आपका, लिक्विड में। लिक्विड किस में होता है, वेपर में। जो ऑर्डिनरी सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं सॉलिड, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इधर आगे देखो एक्स एक्सिस वाला का, वो किसका है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड किस में चेंज हो गया, आपका लिक्विड में। फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया तो किस में चेंज हो गया, आपका वेपर में। पर जो सब्सटेंस आपका मेजोमेरिक चेंज, क्या बताया मैंने, मेजोमेरिक चेंज शो करते हैं, मेजोमेरिक का मतलब होता है इंटरमीडिएट, समझे, यानी कि जिसमें सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक स्टेट और होती है, इंटरमीडिएट स्टेट, उनको उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। तो फर्स्ट वाला ग्राफ किसके लिए था, आपका ऑर्डिनरी सब्सटेंस के लिए। सेकंड वाला किसके लिए है, उन सब्सटेंस के लिए जो मेजोमेरिक चेंज शो करते हैं। मेजोमेरिक का मतलब होता है इंटरमीडिएट स्टेट आती है जिनके बीच में। तो देखो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ले लिया, इसमें क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो किस में चेंज हो गया, आपका ये लिक्विड क्रिस्टल में। फिर फर्दर इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तो किस में हो गया, आपका लिक्विड में। फिर बढ़ाया तो किस में आ गया, आपका वेपर्स में। तो ऑर्डिनरी सब्सटेंस होगा तो कैसे हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर। जो मेजोमेरिक चेंज शो करते हुए क्या होंगे, सॉलिड से लिक्विड क्रिस्टल, देन लिक्विड क्रिस्टल से लिक्विड, और लिक्विड से वेपर। आई होप कि मतलब आपका उसे आपको समझ आ गया होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, लिक्विड क्रिस्टल आपके कितने टाइप के होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल आपके तीन टाइप के होते हैं, निमेटिक, सिमेटिक और कोलेस्टेरिक।
क्या बताया मैंने, लिक्विड क्रिस्टल आपके कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। फर्स्ट वन इज निमेटिक, सेकंड वन इज सिमेटिक, और थर्ड क्या होता है आपका, कोलेस्टेरिक। देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा ये होते कैसे हैं। देखो इस पिक्चर में, देखो फर्स्ट ए वाला पिक्चर देखो, निमेटिक क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वे कैसे होते हैं आपके, लॉन्ग एक्सिस में पैरेलल अरेंज होते हैं। क्या बताया है मैंने, लॉन्ग एक्सिस, देखो ये पैरेलल अरेंज है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और क्या है, लॉन्ग एक्सिस में अरेंज है। देखो ऐसे तो नहीं है ना, देखो क्या होता है मैंने, इसमें मॉलिक्यूल क्या होंगे, लॉन्ग एक्सिस पैलर अरेंज होंगे। देखो सारे कैसे अरेंज है, ये पैलर में है ऐसे, है ना, ऐसे 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 तो नहीं है ना। देखो ऐसे तो नहीं है ना कि कुछ क्या हो आपके ऐसे हो, कुछ क्या हो ऐसे ऐसे हो, कुछ क्या हो ऐसे हो, समझ गए ना, ये क्या है पैलर है, सारे क्या हैं ऐसे हैं। हो गया आप क्लियर, फर्स्ट वाली पिक्चर के अंदर देखो सिर्फ सारे क्या आपके लॉन्ग एक्सिस पैलर अरेंज है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये क्या है आपका सिमेटिक, फिर सिमेटिक में क्या है, ये लॉन्ग एक्सिस पैलर में भी अरेंज है, और क्या होते हैं ये लेयर्स में भी होते हैं, एक के ऊपर दूसरे लेयर, दो दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर। क्या बताया है निमेटिक में क्या होंगे, लॉन्ग एक्सिस पैलर में अरेंज होंगे बट लेयर्स में नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंड क्या है आपका सिमेटिक, इनमें लॉन्ग एक्सिस पैलर में भी अरेंज होंगे और क्या होंगे, ये लेयर्स में भी होंगे। थर्ड देखो ये पिक्चर दे रखे हैं आपका कोलेस्टेरिक, देखो थर्ड क्या दे रखा है आपका कोलेस्टेरिक, इसमें क्या होंगे ये, इसमें क्या होंगे आपके थिन लेयर में अरेंज होंगे, जैसे निमेटिक में है आपके सेम ऐसे ही होंगे, पर इसमें लेयर क्या होती रहेगी, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर शिफ्ट होती रहेगी। यहाँ देखो लेयर क्या है, ऐसे ही पैलर रेंज है, फिर क्या लेयर्स में भी हैं, बट क्या है ये जो आपकी लेयर्स फॉर्म हो रही है ना, इसके एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर शिफ्ट होती रहेगी। दिस साइड देखो ये दिखाई दे रहा, ठीक है, जब ये ऐसे शिफ्ट होती रहेगी ना तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी, ये ऊपर वाली पिक्चर में दिखा रखा है सी। क्या बताया मैंने, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी ऐसे, इतना क्लियर होगा इस पिक्चर से, ठीक है। अब देखो, हाँ देखो क्या बताया मैंने, निमेटिक क्या होते हैं आपके लॉन्ग एक्सिस में पैरेलल टू ईच अदर होते हैं अरेंज, इतना समझ में आ गया ना वहाँ से। तो क्या होते हैं फ्री टू रोल और फ्री टू स्लाइड होते हैं, तो ऐसे क्या होते हैं लेस टर्बिड होते हैं और इजीली फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल उन्होंने ये दे रखे, नीचे ये दे रखे, ठीक है। और जो आपके निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स है ना, इनका जो आपके घर में LCDs होती है ना, जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उनके अंदर इनका यूज़ किया जाता है। क्या क्या होता है मैंने, निमेटिक में क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल लॉन्ग एक्सिस पैलर अरेंज होते हैं, फ्री टू रोल होते हैं, फ्री टू स्लाइड होते हैं, तो क्या होते हैं लेस टर्बिड होते हैं, ईजिली फ्लो करते हैं। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, LCDs में किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में। ये क्या है इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड क्या आपका सिमेटिक है, सिमेटिक जैसे सिमेटिक क्या होता है आपका, सिमेटिक का वर्ड का मीनिंग ही क्या आपका सोप है, तो मोस्ट कॉमनली किसके द्वारा सो किए जाते हैं आपके, सोप के द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है ये मॉलिक्यूल किस में होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं बट क्या होते हैं ये लेयर्स में होते हैं, द मॉलिक्यूल आर इन ए वेल डिफाइंड प्लेन, ठीक है, बट दे फ्लो इन लेयर्स। क्या होता है मैंने लॉन्ग एक्सिस पैलर में, देखो उधर दिखाया था मैंने, और किस में होंगे आपके लेयर्स में, जैसे सोप के अंदर होता है आपका, ठीक है। ये कोई नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करते, ये किसकी तरह बिहेव, ये कैसे फ्लो करते हैं, लेयर्स में फ्लो करते हैं। एग्जाम्पल इसका दे रखा है,
ये दे रखे हैं इसके एग्जांपल्स, क्या कहता है मैंने सिमेटिक में क्या होता है ये आपका मॉलिक्यूल होंगे लॉन्ग रेंज एक्सिस में भी होंगे अरेंज और किस में होंगे आपके लेयर्स में भी अरेंज होंगे। और ये क्या होते हैं नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करते, इसकी जो लेयर्स होते हैं वो किस में जो फ्लो होता है लिक्विड का वो लेयर्स में फ्लो होता है। साबुन देखा ना आपने कि एक लेयर गई फिर सेकंड फिर थर्ड, क्या होते हैं आपके सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है ये आपके क्या दे रखे हैं एग्जांपल दे रहे हैं। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाएगा एलसीडीज में, सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं आपके सोप्स होते हैं। फिर क्या आपका कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल है, इसमें क्या होंगे सेम पैलर रेंज होंगे, ठीक है लेयर्स में होंगे, बट क्या होता है जो उनकी आपके एक प्लेन है ना वो पर्टिकुलर एंगल के ऊपर शिफ्ट होती रहती है, पर्टिकुलर एंगल के ऊपर शिफ्ट होती रहती है तो क्या बना लेता है ये हेलिकल फॉर्म बना लेता है। इस प्रॉपर्टी के क्या बना लेता है हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये लिक्विड। इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होते हैं डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो देखो जब हम कोलेस्टिक लिक्विड का क्या करेंगे टेम्परेचर चेंज करेंगे ना सॉरी टेम्परेचर चेंज करेंगे ना तो इनके बीच में जो गैप है ठीक है क्या होगा टेम्परेचर चेंज करेंगे ना तो क्या होगा इनके जो डिफरेंट लेयर्स है ना स्पाइरल्स की वो चेंज होती रहेंगी। क्या बता देखो ऐसे हमने क्या किया इसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दे दिया तो इसके बीच में जो स्पाइरल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो चेंज होती रहेगी, जिसको हम क्या कहते हैं जिसके कारण क्या हो जाएगा उसका पिच लेंथ चेंज हो जाएगा। पिच लेंथ चेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दिया डिफरेंट डिफरेंट पिच लेंथ हो गया उसका, तो हम क्या करेंगे वो अलग अलग कलर का अलग अलग कलर शो करेगा अलग, क्योंकि उनके बीच का गैप अलग हो गया। अलग क्या होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें क्या देगा अलग अलग कलर दिखाई देगा। क्या बताया मैंने कोलेस्टेरिक में सेम पैलर रेंज है लेयर्स में है बट एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर क्या हो जाती है लेयर शिफ्ट होती रहती है, जिसके कारण क्या बनाती है आपका एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं ये लेयर्स। तो जब क्या होगा हम टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर देंगे जो लेयर्स के बीच का गैप है वो क्या होता रहेगा आपका चेंज होता रहेगा, वो आपका चेंज होता रहेगा तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर डालेंगे तो हमें क्या देखा डिफरेंट डिफरेंट कलर देखा। इसलिए क्या इन लेयर्स के बीच का जो गैप चेंज होता रहता है तो ये क्या देते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसलिए इनका बहुत ज़्यादा यूज है किसमें मेडिकल फील्ड में, इसका यूज मोस्टली क्या होता है थर्मोग्राफी में, थर्मोग्राफी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे हो गया क्लियर। फिर क्या है लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस क्या है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट में है ना, जैसे वॉच वगैरह होती हैं आपकी पॉकेट कैलकुलेटर्स होते हैं वॉच होती हैं इनके अंदर हम क्या डालते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डालते हैं। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है थर्मोग्राफी में किया जाता है, बॉडी में ट्यूमर हो ना उसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। फिर क्या किया जाता है दे आर यूज्ड इन ठीक है फिर क्या हो जाता है इनका सॉल्वेंट एनाइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, इनका लुब्रिकेंट के लिए घर में जो हमारे टीवीज होते हैं एलसीडीज उनके लिए किया जाता है, इनका क्या लिखा जाता है स्किन में स्किन टिश्यू में कोई बीमारी देखो क्या कहता है मैंने एलसीडीज में यूज रिस्ट वॉचेज में यूज। फिर क्या होगा बॉडी में कई ट्यूमर प्रेजेंट हो उसके डिटेक्शन में इसका यूज, उसको हम क्या कहते हैं थर्मोग्राफी। सब्सटेंस होइंग वो सिमेटिक एंड निमेटिक तो क्या होता है कोलेस्टेरिक मतलब देखो ये क्या है किसने एग्जांपल लिया कोलेस्टिक मायरिस्टेट्स इसको क्या किया मेल्ट किया तो किस में चेंज हो गया आपका सिमेटिक में, फिर क्या होगा निमेटिक में, फिर क्या होगा आपका ट्रू। ये एक ऐसा सब्सटेंस दे रखा है जो दोनों करेक्टरिस्टिक्स शो करता है सिमेटिक भी और निमेटिक भी ठीक है। तो क्या है फिर नेक्स्ट क्या आपका लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड्स और लिक्विड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, देखो नीचे साफ दिखाई दे रहा है सॉलिड्स में क्या होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर में परफेक्टली अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स, लिक्विड में क्या होते हैं अरेंज तो होते हैं पर इतना ऑर्डर नहीं होता, तो लिक्विड क्रिस्टल में इनका अरेंजमेंट क्या होगा सॉलिड से कम होगा और लिक्विड से ज़्यादा होगा इनके बीच की स्टेट होगी ठीक है। फिर देखो थर्मोग्राफी दिखा रखी है, थर्मोग्राफी में क्या दिखा दिया वही दिखा रखा है देखो इधर देखो थर्मोग्राफी और क्या मैंने बताया था ना मेजोमेरिक सब्सटेंस क्या होंगे जिनमें एक इंटरमीडिएट स्टेट होगी। देखो ए से बी क्या है आपका सॉलिड, देखो ए में क्या हमारे पास सॉलिड है ये वाई वाला ग्राफ किसका टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिड किस में चेंज होने लग जाएगा आपका लिक्विड क्रिस्टल में, बी के ऊपर जाके प्रॉपरली किस में चेंज हो गया आपका लिक्विड क्रिस्टल में, बी से सी
बड़ा जो दिखा रखा है इसने यहाँ पे क्या आपका लिक्विड क्रिस्टल। फिर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो लिक्विड क्रिस्टल किस में चेंज होने लग गया आपका लिक्विड में। फिर डी के ऊपर क्या आपका प्रॉपर लिक्विड है। फिर क्या है डी और डी ई तक यहाँ तक क्या रहेगा लिक्विड रहेगा। फिर इससे ऊपर जाएंगे हम तो लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाए होना स्टार्ट हो जाएगा आपका वेपर के अंदर। एफ में क्या हो जाएगा आपका प्योरली वेपर। पर जो ऑर्डिनरी सब्सटेंस है उसमें क्या होगा आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में। ठीक है सॉलिड समझ गए ना आप सॉलिड किस में चेंज होना। ए पे क्या है सॉलिड है टेम्परेचर बढ़ाया लिक्विड में चेंज। बी से सी में लिक्विड और टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड किस में चेंज होने लग जाएगा आपका वेपर में। ठीक है लेकिन बस आपको कुछ नहीं है इसमें क्या है सॉलिड से लिक्विड में लिक्विड से वेपर में। पर जो मेजोमेरिक चेंज हो रहेंगे उसमें क्या होगा सॉलिड से लिक्विड क्रिस्टल में लिक्विड क्रिस्टल से लिक्विड में लिक्विड लिक्विड से वेपर में। ठीक है फिर थर्मोग्राफी का यूज़ क्या किया जाता है इसका यूज मेडिकल फील्ड में किया जाता है टू मर डिटेक्शन के। जैसे क्या होगा आपका ब्रेस्ट कैंसर है ब्रेस्ट में क्या आपका ट्यूमर है तो जो आपका लिक्विड क्रिस्टल है ना वो अप्लाई वो क्या किया जाता है आपका अप्लाई किया जाता है किस पे डिजीज्ड वाले पार्ट पे और नॉर्मल पार्ट पे। कौन सा कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल हम क्या कर लेंगे उस बॉडी पार्ट के ऊपर लगा लेंगे जो डिफेक्टेड है और जो क्या है आपका नॉर्मल है। जब हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे ना तो डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करता है बताया था ना मैंने आपको कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। तो जो डिफेक्टेड वाला पार्ट है जहाँ आपकी ट्यूमर प्रेजेंट है और जो आपका नॉर्मल पार्ट है वो क्या देगा आपको अलग अलग कलर देगा। ठीक है तो हमें इससे पता चल जाएगा कि डिजीज वाला एरिया कौन सा है और अनडिजीज वाला एरिया कौन सा है। ठीक है फिर क्या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड सेवन सेगमेंट सेल। ये क्या आपका टीवी है जो घर में वो कैसे काम करता है होते हैं ना LCDs इसमें देखो क्या किया जाता है क्या होता है मैंने LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यही तो होता है ना घर वाला LCD ये कैसे काम करता है। इसमें हम क्या ले दो ग्लास ले लेते हैं। ठीक है देखो इधर दिखा रखिए पिक्चर देखो ये रहा दो ग्लास ले लेते हैं ग्लास के बीच में हम क्या करते हैं लिक्विड क्रिस्टल को फिल कर लेते हैं। कर लिया ये फिल एक वाले ग्लास को हम क्या कर लेते हैं कवर कर लेते हैं किसी भी मेटेरियल से किससे कर लिया जैसे टिन ऑक्साइड से कर लिया। दो ग्लास लिए उनके बीच में क्या फिल कर लिया लिक्विड क्रिस्टल फिल कर लिया और क्या कर लिया एक वाले को क्या कर लिया एक पार्टिकुलर मेटेरियल से क्या कर लिया कवर कर लिया हो गया इतना काम। फिर क्या होगा देखो लिक्विड क्रिस्टल अभी हमने कोई करंट पास नहीं किया तो ये क्या है प्रॉपरली अरेंज है बट हमने क्या कर दिया यहाँ पे करंट पास कर दिया ये इन सभी का क्या हो जाएगा रैंडम मूवमेंट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे वेरी करते रहेंगे तो क्या देंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देता है डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर दिखाई देती है। फिर नंबर्स कैसे दिखाई देते हैं उसमें क्या होता है आपकी सेवन सेगमेंट सेल डाल दी जाती है। देखो ये डाल रखी हर सेल का एक हर हाँ क्या है सेवन सेगमेंट सेल डाल दी जाती है। देखो ये डाल रखी इधर देखो ये रही इधर हर सेल के ऊपर क्या होता है एक नंबर होता है ना 1 to 9 देखो ये रही 1 to 9 डाल देते हैं। जब क्या है ये ऐसे ही है जब हमने करंट पास नहीं किया तो ऐसे कैसे हैं फिर क्या करंट पास किया क्या है कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर देती है जो नंबर हमें चाहिए उसका कॉम्बिनेशन बना के हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा देती है। ठीक है ये क्या था आपका LCD ओके इट वॉज ऑल अबाउट योर लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले।